नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर YouTube चैनल नियर द नेचर में। दोस्तों, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं पामेटली लोब्ड लीफ वाले इस पौधे से, जिसे सामान्यतया कपास का पौधा कॉटन प्लांट के नाम से जाना जाता है। यह जीनस गॉसिपियम का पौधा है और इसकी फैमिली मालवेशी है। गॉसिपियम जीनस के अंतर्गत कुछ स्पीसीज जो ज़्यादा प्रचलित हैं उनमें गॉसिपियम हर्सुटम, इसकी लगभग 90% जो कॉटन उगाया जाता है नेचुरली वो गॉसिपियम हर्सुटम होता है। इसके अलावा गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम और गॉसिपियम बार्डेंसी है। तो दोस्तों, यह एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसके जो ये फ्रूट होते हैं उनको कॉटन बॉल बोला जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो कॉटन फाइबर्स हैं ये सीड हेयर्स होते हैं। सीड हेयर्स के अंतर्गत एक कई सीड होते हैं। इसका जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल टाइप का होता है जो भ्रष्ट होता है। तो ये सीड, ये देखिए आप, सीड इसके अंदर है यहाँ पे, और सीड है जो इसका सीड है उससे ऑयल भी प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियों को खाद के रूप में इस्तेमाल में किया जाता है और इसका जो स्टेम तना होता है उससे भी रेशा प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग पेपर और कार्डबोर्ड बनाने में किया जाता है। इसका फ्लावर आप देख सकते हैं इस तरह से होता है और इसके फ्लावर्स, ये कुछ स्पीसीज में येलो फ्लावर्स होते हैं, कुछ में व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसका ये काटन बाल, इसका ये फ्रूट है। जब ये भ्रष्ट होता है तो चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों, काटन जो इससे प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, प्लास्टिक्स इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। और इसके जो लीव्स हैं उसके अंतर्गत एक टॉक्सिक कंपाउंड गॉसिपियम पाया जाता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट से इनकी पत्तियां जो होती हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं, बचती हैं। और इसका ये कैप्सूलर देख सकते हैं आप फ्रूट जो है वो जब भ्रष्ट होता है तो इस प्रकार से कॉटन प्राप्त किया जाता है। और जब कॉटन को प्राप्त करते हैं, निकालते हैं, तो इसको कपास ओटना बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। गिनिंग के अंतर्गत सीड को सीड हेयर से सेपरेट किया जाता है, कपास को प्राप्त किया जाता है और सीड को अलग किया जाता है। दोस्तों, तो जो इसके सीड होते हैं वो कुछ रैकून्स और वाइट टेल म्यूल डियर खाते भी हैं, कुछ बर्ड्स भी इसको खाती हैं। और काटन का इस्तेमाल आपको पता ही है कि घाव की ड्रेसिंग में फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इस पौधे की जड़ की जो छाल होती है उसका इस्तेमाल मेंस्ट्रुएशन फ्लो को जो होता है उसको इंड्यूस करने के लिए, लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए और डिलीवरी को सुगम बनाने के लिए, और कुछ देशों में मेल कंट्रासेप्टिव पाइल्स के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। गॉसिपियम हर्सुटम और गॉसिपियम हर्बेशियम, जो ये दो स्पीसीज हैं, इनसे कॉटन सीड ऑयल प्राप्त किया जाता है। वो कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। गॉसिपियम हर्सुटम को मैक्सिकन कॉटन के नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया में इस कॉटन प्लांट के जो पौधे हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ओल्ड और न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड का मतलब है एशिया, यूरोप और अफ्रीका, और न्यू वर्ल्ड का मतलब है अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ पर इस कपास के पौधे की खेती की जाती है। और इसमें रोग बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए एक कॉटन की स्पीसीज जो है बीटी कॉटन बोलते हैं, बैसिलस थुरिजेनेसिस नामक एक बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करा दिया गया इसके अंतर्गत, ताकि इसमें रोग ना हो। दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने आपको इस कॉटन प्लांट से परिचित कराने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे और नई नई जानकारी से युक्त वीडियो आपको प्रेषित करता रहूँ। धन्यवाद।